ओके हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बेटा फोकस इधर करो रोहन, ठीक है ना। नजरें हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर नाइन आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। नाम ही इससे क्लियर है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब इस फार्मूले का यूज़ करके आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप जो है डिस्टेंस काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच की। सो दो पॉइंट आपके पास हैं, एक पहला पॉइंट है बेटा, और बेटा हर पॉइंट के बारे में दो जानकारियाँ होती हैं। दो जानकारियाँ, उन जानकारियों को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट होते हैं मतलब दो पोजीशन होती हैं, एक एक्स वाली पोजीशन और एक वाई वाली पोजीशन। बेटा पहली वाली पोजीशन को बोलते हैं एब्सिसे। क्या बोलते हैं? एब्सिसे। और दूसरी वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। समझ गए? दूसरी वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो बेटा पहला वाला पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम है पी। क्या नाम है? और आपके पास कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और दूसरा पॉइंट है क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट हैं तो आप बड़े आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, पी क्यू इक्वल टू बेटा एक्स में से एक्स को माइनस करो। अब आप कहोगे सर बाद वाले से पहले वाले को माइनस करें या पहले वाले से बाद वाले को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको किससे माइनस करो। चाहे x1 को x2 से करो या x2 को x1 से करो, मगर ज़्यादातर अच्छा लोगों को बच्चों को ये लगता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो यहाँ पे बीच में क्या लगाओ? माइनस। इधर पे x2 और इधर पे क्या? ये x1। पलट भी सकते हो, x1 माइनस x2 कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हिसाब बराबर करने के लिए बैठा बार होल स्क्वायर। क्या बैठा हुआ है? होल स्क्वायर। तो प्लस का स्क्वायर होगा तो भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो भी प्लस आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी एक्सरसाइज, इसी ही टॉपिक पर बेस्ड है, पूरी की पूरी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। आपको इसी से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सरसाइज एन सी आर टी 7.1 का क्वेश्चन का कहना है, इफ क्यू 0.1 इज इक्विडिस्टेंट। बेटा ये लिख लिया ना सबने? फॉर्मूला बनता है ना? मिटा दूं? क्यों भैया आपने लिख लिया? चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ क्यू 0.1 इज, पहला काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी क्वेश्चन को पढ़िए और जितना मीनिंग हो सकता है निकालने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ क्यू 0.1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट पी 5.-3 एंड आर एक्स 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो भैया क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास क्यू 0.1, क्यू पॉइंट है 0.1, वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस, जितना दूरी इससे है उतना दूरी इससे है, इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है। पहला वाला जो पॉइंट है उसका नाम है पी 5.-3, और दूसरा वाला पॉइंट है आर जिसका नाम है एक्स 6। ये दोनों से बच्चों इक्वल डिस्टेंस पर है तो कह रहा है x का मान, x की वैल्यू फाइंड करो। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। बढ़िया, क्या कह रहा है कि जितनी p से q की दूरी उतनी r से q की दूरी, मतलब क्वेश्चन का कहना है पी क्यू बराबर क्यू आर। बोलो यस और नो, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, एग्री कि नॉट एग्री? क्योंकि जितना p से लेके q है उतना q से लेके r है, है q से p, q से आर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्यू से पी और आर सेम दूरी पर है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे से ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जितना बड़ा धागा तुम्हारे हाथ में जाएगा उतना बड़ा धागा तुम्हारे हाथ में जाएगा, हाँ या ना?
दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप कह रहे हैं भैया दोनों के डिस्टेंस सेम है, मान लिया मैंने बात को। अब कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, देखो कैसे फाइंड करते हैं। चलो PQ का फॉर्मूला लगा दो, बहुत ही सिंपल, अंडर रूट 5 माइनस 0 या 0 माइनस 5। तो हमारे बच्चे 5 माइनस 0 में ज़्यादा सुखी हैं, तो भैया 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ, प्लस 1 माइनस 3 या माइनस 3 माइनस 1, बोलो क्या कर दूँ, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया। x2 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हो गया इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 ये वाला, ये वाला, और 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा अंदर लीजिए, ये हुआ 5 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर बोलो 16 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ क्या कर दो, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से, इधर उधर स्क्वायर करने से रूट क्या हो गया, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। केवल अंदर कौन बचा, 5 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, इक्वल टू यहाँ का रूट हट गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल, मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट कितना 16, एक्स इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है 2 होते हैं, प्लस 4 और माइनस 4, आई बात समझ में, प्लस 4 और मतलब x की दो वैल्यू आई, एक प्लस 4 और एक माइनस 4, इस हिसाब से r के दो वैल्यू जनरेट हुई, एक r बन गया प्लस 4 कॉमा 6 बोलो हाँ, और एक r हो सकता है माइनस 4 कॉमा, चेक करो आंसर में सही है ना। चलिए तो पहला हो गया, अब आगे भैया इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर। लियो भैया पी आर और क्यू आर निकालनी है, तो क्यू आर तो ये है बोलो हाँ, और पी आर मतलब ये वाली डिस्टेंस आएगी, हाँ या ना। तो भैया x की वैल्यू कोई एक ले लो, मान लो 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये देखिए क्वेश्चन ये है, ये है q, q क्या है 0,1, p क्या है 5,-3, और r क्या है बोलो 4,6, 4, आपको क्या निकालना है, पी आर, पी आर मतलब ये p है और ये क्या है r है, ये निकालना है, और क्या निकालना है, ये निकालना है, हाँ या ना। तो चलिए पी आर निकालते हैं और फिर क्यू आर निकालते हैं, खुद से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो, बनेगा बेटा आपसे, नहीं बनेगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्यू आर निकालता हूँ, सबसे पहले क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, वही वाला फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस वाला, क्यू आर ये क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू माइनस वाई वन, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 में 0 के 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 कितना हुआ बोलो, 6 5 11 की ये 41 कितना हुआ, पहला आंसर कितना आएगा 41, चेक कर लो है ना। अगला देखो क्या निकालना है, पी आर, क्या निकालना है बेटा, पी आर इक्वल टू अंडर रूट, बेटा आर क्या देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और वाई टू माइनस वाई वन, 6 माइनस 3 वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 बोलो कितना होता है 1 का स्क्वायर, और 6 प्लस 3 कितना 9, तो ये 9 का स्क्वायर, आंसर 1 प्लस 81, आंसर कितना हुआ 80, चेक कर लीजिए आंसर क्या, हाँ कैसे आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, चेक करो आंसर, कहाँ आया आंसर, आया है, अरे भैया रुक जाओ थोड़ा बताता हूँ, रुक जाओ, 9√2 नहीं होगा, बताता हूँ मैं, एक तो रूट 82 है बोलो हाँ या ना,
एक आंसर अपने 4.6 लेकर के रूट 82 निकाल लिया, और वो माइनस लोगे तो वो आंसर आएगा। अभी अपन ने एक्स आर की जगह एक्स की जगह क्या लिया है, प्लस फोर क्या लिया है। वो जो दूसरा आंसर बोल रहे हो तब आएगा जब आप माइनस लोगे। क्या लोगे? माइनस लोगे। आया समझ में कि नहीं आया? चलो नोट करिए अच्छे से। हाँ हाँ आपको लीजिएगा।